नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, राजनीति क्षेत्रों में जो है आए दिन कुछ ना कुछ नई नई बातें सुनने को मिल रही हैं और मैं ये समझती हूं कि चुनाव तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा इस समय जोरों पर है, लेकिन कैबिनेट के इस फेरबदल से पहले आज यानी कि 6 जुलाई को 8 प्रदेशों के नए राज्यपालों की नियुक्ति कर दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आदेश से ये नियुक्तियां हुई हैं। इनमें एक चेहरा ऐसा भी है जो अभी तक मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में रहा है और ये है थावर चंद गहलोत। इन्हें अब कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है। चलिए ये भी देखते हैं कि कौन कौन कहाँ का राज्यपाल बना है। थावर चंद गहलोत कर्नाटक के, हरिभूमि कंपति मिजोरम के और मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के, राजेंद्रन विश्वात आर्लेकर हिमाचल प्रदेश के और पीएस श्रीधरन पिल्लई गोवा के, सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के, रोमेश बैंस झारखंड के और बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। और थोड़ी थोड़ी मैं आपको इनके बारे में जानकारी भी दे दूं कि राजस्थान के जो थावरचंद गहलोत हैं अभी तक केंद्र सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे। हरिबाबू कंभपति विशाखापत्तनम के सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और मंगूभाई छगनभाई पटेल बीजेपी के नेता हैं, गुजरात विधानसभा के स्पीकर और गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। गोवा के राजेंद्रन विश्वनाथ आर्लेकर बीजेपी के नेता और गोवा विधानसभा के स्पीकर रहे हैं। केरल के पीएस श्रीधरन पिल्लई बीजेपी के केरल अध्यक्ष रहे हैं, कई किताबें भी लिख चुके हैं। और सत्यदेव नारायण आर्य बिहार के वरिष्ठ नेता रहे हैं, वह फिलहाल हरियाणा के राज्यपाल थे। छत्तीसगढ़ के रमेश बैंस वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे थे, वे 7 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं। तेलंगाना के बंडारू दत्तात्रेय मोदी सरकार में मंत्री भी रहे हैं और वरिष्ठ बीजेपी के नेता रहे हैं। और एक और खास बात यह है कि ये एक साथ राज्यपालों की सबसे बड़ी नियुक्ति है। और मोदी कैबिनेट में फेरबदल को लेकर के माना जा रहा है कि जल्द ही कई नई चेहरे सरकार के सामने दिख सकते हैं। सरकार के जो नई कैबिनेट है उसमें दिख सकते हैं। इस कैबिनेट में विस्तार उन प्रदेशों के नेताओं को जगह मिल सकती है इस विस्तार में जहां आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं। और खबरों की माने तो मोदी कैबिनेट में करीब 20 नए चेहरों को एंट्री मिलने वाली है। और ये भी कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, शांतनु ठाकुर, सुशील कुमार मोदी, आरसीपी सिंह, पशुपति पारस, अनुप्रिया पटेल और परवीन निषाद को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी नए जो राज्यपाल बने हैं उनसे जुड़ी हुई खबर। और आप मेरा चैनल देखते रहिए। और हाँ, एक बात आपसे कहना चाहूँगी, आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीड मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।